सापुतारा और डांग जिले की असल जो मजा है वो बारिश का मौसम है। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं। बस ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं और ऊपर कुछ इमारत नजर आ रही है, यही है सापुतारा। टॉप पर जाकर रूम लेंगे, वहाँ ठहरेंगे तो आपको सापुतारा का बहुत अच्छा व्यूज देखने को मिलेगा। और ये कुछ मीठे है, रसगुल्ले है, रोटी भी बहुत अच्छी है, कटलेट भी है। दोस्तों, अभी आधा सफ़र कवर हुआ है। सापुतारा पहुंचने में अभी समझ लो आधा बाकी है। तो जितने भी बीच में खूबसूरत मनाजिर मेरी नज़रों के सामने आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि कुछ देर स्टॉप करूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नज़ारे में शूट करूं, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। आप देख सकते हैं तो सामने बिल्कुल नदी और झरने जो बह रहे हैं और पानी बह करके इस तरफ आ रहा है। और सापुतारा और डांग ज़िले की असल जो मज़ा है वो बारिश का मौसम है। आज मैं जब निकला था घर से तो काफ़ी धूप थी, गर्मी लग रही थी और लग नहीं रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन मैं दिल दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह आज बारिश हो जाए, ताकि खूबसूरत बारिश के नज़ारे हम लोग कैप्चर कर सके, आपको दिखा सके और आनंद ले सके। अब इस तरफ के मौसम को देखते हुए ये उम्मीद बन रही है कि इंशाल्लाह बारिश होगी और बारिश के आसार आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं। अगर बारिश शुरू होती है तो इसका हुस्न दो वाला हो जाएगा। ये ह्यूंडई क्रेटा है और इसका सनरूफ भी बहुत अच्छा है। तो सनरूफ जो है वो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, ताकि सनरूफ में से निकल कर मैं आपको दिखाऊं कि चारों तरफ का खूबसूरत मंजर कैसे होता है। अगर गाड़ी में बैठ के शूट करेंगे तो इतना जो है वो कवर नहीं हो पाएगा व्यूज चारों तरफ का, लेकिन अगर सनरूफ खोलते हैं तो बहुत अच्छा व्यूज आपको देखने मिलेगा। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं सनरूफ, और ये अभी बारिश शुरू नहीं हुई है तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। दोस्तों, सापुतारा के करीब पहुंच गया हूं मैं। बस अब कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं तो यहां पर एक सोचा होटल बन रहा है, वो आपको दिखा दूं। यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में इसका ओपनिंग हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन है और इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बुलंद पहाड़। बस ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और ऊपर कुछ इमारत नज़र आ रही है, यही है सापुतारा।
फाइनली मैं पहुंच गया हूं सापुतारा, और ये है सापुतारा का मेन गेट, आप देख सकते हैं। और मौसम भी बहुत सुहाना हो चुका है, जिस मौसम का इंतजार था वो मौसम सापुतारा पहुंचते ही मिल गया। और ये है सापुतारा का मेन सर्कल, और अब यहां से हम शुरू करेंगे अपना व्लॉग। सापुतारा में बहुत सारी जगह है, ये मेन सर्कल है, और यहाँ से आप दाएं बाएं जैसे जैसे बोर्ड आपको नजर आते हैं, आप सनसेट की तरफ जाना चाहते हैं, सनराइज की तरफ जाना चाहते हैं, इको पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो सारे शाइन बोर्ड सर्कल के पास लगे हुए हैं। आप यहाँ से दाएं बाएं राइट लेफ्ट जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल से राइट मार करके मैं आ गया हूँ यहाँ पर, इसलिए कि ये हमारी बड़ी जरूरत है खाने पीने के साथ साथ शौचालय। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर फारिग हो जाएं इस्तिंजा से और पेशाब पानी से। तो यहाँ पर पे एंड यूज टॉयलेट है, साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और आप शौचालय में अपना काम पूरा करके फारिग होके आगे के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, सापुतारा पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना खा लिया जाए, इसलिए कि काफी भूख लगी है और जर्नी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ आज गुजराती थाली खाने के लिए, और ये होटल है चित्रकूट। और आप जैसे ही राइट साइड सर्कल से टर्न करेंगे और सीधा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है चित्रकूट। यहाँ की गुजराती थाली बहुत अच्छी है, 3-4 साल पहले एक मरतबा आना हुआ था, तब टेस्ट किया था, तो उस वक्त बहुत मजा आया था यहाँ पर। ये होटल देख सकते हैं काफी ऊपर है, और यहाँ पर आप अगर फैमिली के साथ परिवार के साथ आते हैं तो खेलने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और हमें काफी ऊपर चढ़ के जाना है। और यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं, और बजट होटल है ये सापुतारा का। और मेरे ख्याल से राइट साइड में यहाँ पर रेस्टोरेंट है। तो अगर आप यहाँ पर रुकने का प्लान करते हैं 24 आवर या एक दो रात रुकना चाहें, अवेलेबल है, बहुत अच्छा होटल है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन है इस तरफ, रेस्टोरेंट भी है और स्विमिंग पूल भी, और ऊपर तक बना हुआ है रेस्टोरेंट, काफी ऊंचाई पर है। तो अगर आप टॉप पर जाकर रूम लेंगे, वहां ठहरेंगे, तो आपको सापुतारा का बहुत अच्छा व्यूज देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आप खाना खाते हुए बाहर के खूबसूरत मनाजिर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और ये सामने जो झील नज़र आ रही है आपको, मैं जूम कर रहा हूँ, सामने भी एक बड़ा होटल है और ये बहुत बड़ी झील है जिसके अंदर बोट्स भी चलते हैं। सबसे पहले हम लोग, चूँकि अभी संडे भी नहीं है, वर्किंग डे है आज, तो इसलिए रश नहीं है यहाँ पर। और बहुत साफ़ सुथरा होटल है, बहुत अच्छा है और हाइजीन है, और आप देख सकते हैं इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, और ये टूल्स और टेबल्स भी बहुत अच्छे हैं। ये है होटल का टॉयलेट, और यहाँ पर है वॉश बेसिन। खुशबू आ रही है, माशाल्लाह साफ सुथरा है, हाइजीन है। दोस्तों, थाली आ चुकी है, और ये गुजराती थाली मैंने मंगवाई है, ये यहाँ की फेमस भी है, और गुजराती थाली मुझे पसंद भी है पर्सनली तौर पर। तो आप देख सकते हैं ये खमन है, और ये टोमेटो केचप है, और ये चटनी है, अचार है, सलाद है, और ये पोटैटो का आलू का सालन है, ये दाल है, और ये कुछ मीठे हैं, रसगुल्ले हैं, रोटी भी बहुत अच्छी है, कटलेस भी है, और ये दो तरह की सब्जी है, पापड़ है, और छाछ है यहाँ पर, और कड़ी भी है, और 4 तरह की सब्जी भी है, माशाल्लाह। आमतौर पर मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस सूबे में जाता हूँ, तो वहाँ का जो लोकल फूड होता है, कल्चरल फूड होता है, मैं उसको खाना पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात से ही हूँ, और ये गुजराती थाली है तो मेरा अपना खाना है समझो। तो आप भी कभी इस तरफ आए दूसरे सूबे से अगर देख रहे हैं, तो गुजराती थाली यहाँ ज़रूर ट्राई करें, और बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह।